Hello learners, this is part 4 of the Verbal Reasoning Ability Series Completion Number Series. I am Dr. Anubhuti Singh. Hope you are doing well. Let's start with this one. This session is about the series, number series, which deals with the different series that are dealing with prime numbers, right? So let us try to see that what are the different types of questions that can be asked. First of all, let us try to understand the concept of prime numbers. All of you must be knowing it, ki prime numbers kya hote hain. If you see here, any whole number greater than 1 that is divisible only by 1 and itself, that is defined as a prime number. So koi bhi aisa number ek se bada, matlab 1 se zyada, so prime numbers start with 2, that is divisible by 1 or itself. राइट सो हर वो नंबर जो कि केवल अपने आप से या फिर 1 से ही डिविजिबल है उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं. आई होप यू ऑल नो दिस ऑलरेडी. सो लेट अस सी, बिटवीन 1 एंड 10 देयर आर 4 प्राइम नंबर्स. सो 2 3 5 7, ये तो पक्की बात है कि 2 के बाद कोई भी इवन नंबर कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 2 से तो है ही डिविजिबल. इसलिए सारे even numbers तो निकल ही जाते हैं except for 2. So 2, 3, 5, 7 and then between 11 and 20, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 and then these ones 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. So these are the total prime numbers up to 100. Right? इतने आपको पता होने चाहिए. Whenever you want to actually solve these series which may be dealing with prime numbers, so आपको अगर ये याद है पहले से, ये ध्यान है कि prime numbers कौन से होते हैं, so that will help you in just noticing that this particular series may be a series which deals with prime numbers. So अगर prime numbers आपको पता हैं और याद रहते हैं, आप मुश्किल नहीं होगी, just go through these prime numbers once, twice, तीन चार बार आप देखेंगे और उसके बाद आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ ये प्राइम नंबर्स हैं. सो आपको सीरीज देखते ही समझ में आने लगेगा कि ये प्राइम नंबर्स से डील कर रही हैं कि नहीं सीरीज. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो दीज प्राइम नंबर्स, राइट? सो लेट अस सी, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर सीरीज, हमें पता है कि हम अभी प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए एक अलग बात है. अदरवाइज हम लोग उसके डिफरेंसेस को ढूंढते, डिफरेंस ढूंढते तो उसमें कोई सेट पैटर्न आना शायद पॉसिबल नहीं था. सो अगर हम देखें यहाँ पे, वही चीज देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम डिफरेंस देखें, क्योंकि अभी वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर्स, बट आवर फर्स्ट अप्रोच विल बी टू सी द डिफरेंस. सो लेट अस ट्राई टू सी द डिफरेंस. प्लस 6, प्लस 6, प्लस 6, प्लस 8, प्लस 10, राइट? प्लस 6, प्लस 8, प्लस 10 डेफिनेटली इज अ सीरीज, राइट? लेकिन तीन बार प्लस 6 एंड देन प्लस 8 प्लस 10 का कोई मतलब नहीं है. इट डजंट मेक मच सेंस. सो यानी ये तो मतलब नहीं है इसका. बट नाउ इफ यू, बिकॉज़ यू ऑलरेडी सीन द प्राइम नंबर्स, लेट अस सी 5, 11, 17, 23, 31, 41, ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स. सो दिस मे बी अ सीरीज व्हिच डील्स विद प्राइम नंबर्स ओनली. सो इफ यू सी 5, देन 7, 11, 13, 17, 19, ये असेंडिंग ऑर्डर है प्राइम नंबर्स का, राइट? लेकिन 1 इज मिसिंग. सो 1 एंड देन अल्टरनेट प्राइम नंबर्स हैं ये. सो 5, 7, 11, 13 दिस वे, 41, 43, द नेक्स्ट वन इज 47 एंड दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर. सो इफ यू ट्राई टू सी द डिफरेंस, डिफरेंस देख के हमें लगा कि हाँ ये डिफरेंस का पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है. लेकिन अगर आपने प्राइम नंबर्स कई बार देखे हुए हो तो आपको ये देखते ही पता चलेगा ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. दैट इज व्हाई यू नीड टू एक्चुअली बाय हार्ट द प्राइम नंबर्स. Let's move to the next question. If you see here, 13, 30, 49, 72, 101, let us try to find the difference. That's our obvious choice, right? So let us see the difference. The difference is plus 17, plus 19, plus 23, plus 29, right? ये numbers अपने आप में prime numbers नहीं है जो series है, लेकिन इनका अगर आप difference देखें तो all these are prime numbers. So difference is that of prime numbers. Okay, I hope you're getting that. And these are one by one, these are all like
ascending में 17, 19, 23, 29 and the next prime number which is there, which is that one? It is 31. So 29 के बाद if we add plus 31, that means 31 here to 101, we get the answer as 132, which is definitely there. So this series is not that of prime numbers, but the difference is that of prime numbers. So this is another way in which prime numbers can be added to the series. Let's see the next question. If we see this question, 79, 71, 61, 53, 43, what do you see here? Again, all of these are also prime numbers, right? So when we try to see this, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन फिर ये डिसेंडिंग में चल रहे हैं, डिसेंडिंग लेकिन एक छोड़ के, सो अल्टरनेट डिसेंडिंग प्राइम नंबर्स आर देयर, सो 43, आफ्टर दैट 41, नेक्स्ट वन इज 37, ओके, सो दैट इज अनदर वे इन विच यू कैन गेट सीरीज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हियर 3, 8, 19, 36, 59, 90. The obvious choice would be to go for, ये तो दिख रहा है कि आपको कि ऐसा नहीं है कि ये numbers prime numbers हैं, okay? और आप ये ध्यान रखिए, अभी हम prime numbers की बात कर रहे हैं, इसलिए हम prime numbers बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको exam में ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पता हो कि ये prime numbers से deal कर रही है series. So we cannot actually go by this thing कि हाँ ये prime number है कि नहीं, whatever. We have to actually see कि देखते ही क्या समझ में आता है. देखते ही हमें डेफिनेटली प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ भी नहीं लग रहा है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट ऑब्वियस चॉइस विल बी, द स्टेप विल बी टू फाइंड द डिफरेंस. लेट्स सी द डिफरेंस, प्लस 5, प्लस 11, प्लस 17, प्लस 23, प्लस 31 एंड प्लस 41, राइट? नो, नॉट प्लस 41. यहां अगर देखें प्लस 31 तक आ रहा है, दीज आर डेफिनेटली, द मोमेंट यू सी दिस 5, 11, 17, 23, 31, these are prime numbers, right? Ascending में prime numbers, so difference में prime numbers है, और लेकिन ये prime numbers भी alternate हैं. So if you see here, 5, 7, 11, 13, 17, 19, this way 31, 37. So the next we need, like next one we need to add 41. If we add 41 to 90, we get the answer as 131, and it is a part of the options. So that is how we can clear this series also. Let us move to the next one. Right? If you see this one, let's see. This is slightly a different kind of a series. You may try to find out the answer yourself, but thoda sa different hai than the previous ones. अब क्योंकि हम prime numbers की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है prime numbers से related हो. Obviously, सबसे पहले देख के ये तो समझ में आ रहा है कि ये prime numbers तो नहीं है. Okay? Let's see what it is basically. The obvious next step would be to see the differences. If we see the difference, हमें यहाँ दिख रहा है plus 9, plus 20 and here plus 78. Nothing. As such, we are not able to find any specific reason or logic for this to be a series. So, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है. अगर difference से नहीं पता चल रहा है, तो let us try to find another way out. If you see in this question, 6 कैसे बन सकता है? 2 by 3 से. 15 3 by 5 से बनता है, right? So whenever we are not able to find something like a difference, so let us try to find out the numbers, like you can say the here 6 is 2 by 3. So how do we get 6 by multiplying these two numbers? So this way, let us try to see this 2 by 3, 3 by 5, 5 by 7. 143 is 11 by 13. And 221 is 13 by 17. Now, think of it. Do you see any pattern here? 2, 3, 3, 5, 5, 7, then 11, 13, 13, 17. All these numbers are prime numbers, and all of these are going in ascending order. 2, 3, 3, 5, 5, 7. What should be this next one? 7, 11. Right? So if you see here, 7 by 11 is equal to 77. Do we have that as the option? Yes. So this is a different kind of a question that can be asked based on prime numbers. Let us see another one. I hope this question you found as interesting one.
लेट सी द अदर वन। ओके, अब ये कुछ अलग ही तरह का क्वेश्चन है। थिंक ऑफ इट, स्टॉप करो वीडियो को और सोचो क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है। अब आपको पता है कि हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यू मे फाइंड व्हाट इट इज। ओके, लेट्स सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी नाउ। अगर हमें ये नहीं पता होता कि ये प्राइम नंबर्स हैं या कुछ भी, तो फिर क्या करेंगे हम? जो नेक्स्ट स्टेप है पहला, वो यही होगा कि वी विल ट्राई टू सी द डिफरेंस। डजंट रिंग एनी बेल व्हेन वी आर ट्राइंग टू सी द डिफरेंस? प्लस 12 प्लस 22, चलो ठीक है 10 का डिफरेंस है, लेकिन ये क्या हुआ? इट इज स्ट्रेट अवे प्लस 654, नो डेफिनेटली देयर इज समथिंग नॉट राइट। सो इस तरह से तो नहीं आएगी। इस सीरीज को आपको स्पेसिफिकली इन नंबर्स को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्लैरिटी हो जाएगी। कैसे? जस्ट चेक दैट 23 35 57 7 1 1। सो इफ यू सी दीज नंबर्स इंडिविजुअली, दिस इज 2 3 3 5 5 7 7 11, राइट? प्राइम नंबर्स असेंडिंग में, तो 7 11 नेक्स्ट क्या होना चाहिए? Yes, I think you guessed it right. The next one. Yes, the next one should be 11, 13. So 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11 and 11, 13. So 1, 1, 1, 3, do we have that as an option? Yes, it is there. So that is how we solve this question. Hopefully, you are getting the point here. Although we are not adding anything, we are not finding any difference, we are not trying to multiply numbers here. But yes, when you have seen prime number series many times, you may be able to get this just by looking at these. Dekhte hi pata chal raha hai 2 3 3 5 5 7. Thoda sa difficult hai yahan pe kyunki ye numbers ek saath likhe hue hain and you have to view them as different digits, right? And iski wajah se thoda sa kabhi kabhi issue ho sakta hai, lekin jab aap kai sare aise questions karte ho to aap alag alag tarah ki logic dekhna shuru ho jate ho. So that is how this can be solved. Now we have come across many different types of questions based on prime numbers. In our next session we'll be discussing the other something else, right? Hopefully this is helping you in number series. Thank you.